हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों? आप तो देख ही सकते हैं, मैं हूँ इस वक्त चंगापुरी डैम में। और चंगापुर के डैम का हाल का बहुत ही बेकार है। पानी तो डैम में ऐसा लगता है ही नहीं, ये देखें। तो रहिए, थोड़ा ब्लॉग पे बने रहिए, कंटिन्यू। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखो चंगापुर डैम। क्या कर रहे, कहाँ आए घूमे थे? सापुतारा। और कहाँ, अभी कहाँ पे? अपन चंकापुर डैम में है ना। पानी है कि नहीं है यहाँ? पापा पानी तो कहाँ दिख रहा है? वही से पापा, वही से नल नहीं आ रहा ना अपने गांव में। इतना पानी कम है वहां, देख लीजिए वो सफेद का निशान है वहां पे, वहां तक पानी रहता है। और खिड़की भी देख लीजिए उधर, सब जगह सफेद सफेद का निशान लगा हुआ है, पानी की कोई संभावना नहीं है। हाँ ये देख ली चंकापुर की हरियाली है, पहाड़ का कितनी खूबसूरत हरियाली है। एक गाड़ी आए, दो गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है। और इस टाइप का नजारा, बारिश का नजारा है। बारिश पूरी तरीके से अच्छी खासी का मंजर बन चुका है बारिश होने वाला। देखो बूंदी भी आने लगी है बहुत तेज में। अरे बेटा जल जल्दी जल्दी आ, क्या करे जा रहे बे? पिन देखो, कहे ना उन लोग तो डायरेक्ट नहाए लगे ना उन लोग के। देख देखो कांडे आगे। चल बे अनाबिया। चले बेटा जल्दी जल्दी आ। चंकापुर डैम यहाँ देख सकते हो, फैमिली आई हुई है घूमने के लिए। और चंकापुर में बिल्कुल पानी पानी है ही नहीं यहाँ डैम में, सब खाली पड़ा। ये देखो पूरा खाली का खाली है डैम। चुप बोल, चुप बोल। अन्या बोल लगा चंकापुर डैम में पानी नहीं है, बोल ओ दे बोल। पानी वानी नहीं है बोलना, घूमो में मत आओ कोई। बोलो पापा पूरा चंकापुर खाली है, पूरा चंकापुर डैम खाली है। अब जबरदस्ती घूमे आ गए ना पापा यहाँ, और घूमे आए जबरदस्ती, अच्छा भी लग रहा है चंकापुर डैम में। वो तो पूरा सुक्का सुक्का का सुक्का है। अरे बाप, कौआ कौआ भूखे हैं सब। ये बाबा अप्पा दे दे लोग के। टोपी लगा दे। कौआ है ना बाबा, भूख लगी है लोग के, है ना? कौआ है, कौआ का भूख लगी है। चना है, चना कहे भी कहे मेरे साथ अत्ता भी। चलो अभी कौवा लोग भी आ रहे हैं, कौवा लोग भी भूखे हैं, काय काय कर रहे हैं, है ना? चलो अपन जब से खाते। तो दोस्तों फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है, अब वो थोड़ा सी और इन्जॉय कर रहे हैं। इन्जॉय करने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ के, अगर आप कभी आते हो यहाँ पर इस जगह पर, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ कौवे वगैरह जो होते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। तो आप खाना खाने से पहले उन लोगों को भी दाना दे दे, खाना पीना दे दे, ताकि वो भी खा पी चुके, क्योंकि उन लोगों को यहाँ खाना पीना नहीं मिलता है, इसलिए वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, वीडियो अगर हमारी आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार अगर आपने विज़िट किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और एक बात